हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल के ऊपर में। दोस्तों, वीक की समाप्ति के बाद ये वक्त है वीकली कम्युनिटी टॉक का। 8 मई 2020 को वीक की समाप्ति के बाद हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 9 मई 2020 को। और दोस्तों, इस दौरान हम 5 कम्युनिटीज की एनालिसिस करेंगे। 2 होंगी प्रेशियस मेटल स्पेस से और 3 होंगी दोस्तों बेस मेटल स्पेस से। और ये सारी एनालिसिस एमसीएक्स के प्राइस चार्ट पे की जाएंगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि चार्ट में किस तरह के फॉर्मेशन इमर्ज हो रहे हैं और हमें वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या दोस्तों उनमें कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, और अगर है तो पॉसिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद एनेबल करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको वक्त में मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीकली कम्युनिटी टॉक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिटी टॉक के इस एपिसोड के दौरान हम पहली कम्युनिटी जिसकी एनालिसिस करेंगे वो होल्ड होगा दोस्तों गोल्ड मिनी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स इंडिया पर। चलिए दोस्तों, स्ट्रेट वे हम प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करके संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। ये गोल्ड मिनी फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट है एमसीएक्स इंडिया पर। हम विजुअली देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में ये क्लियरली एक अपट्रेंडिंग मूव में है और हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक डीपर करेक्शन हुआ, जिसकी चर्चा पिछले कमोडिटी टॉक के बारे में भी की गई थी कि प्राइस दोस्तों यहां पर रेजिस्टेंस ले रही थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रिट्रेस किया और इस रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करके ये रिवर्सल क्लियर कट दिखा रही है दोस्तों। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। यहां पर एक अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन हम देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्राइस बहुत सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें तो प्राइस ने यहां पर ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया है और उसके बाद दोस्तों एक हम 7 मई 2020 का जो कैंडल है वो वन वाइट सोल्जर है और इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है दोस्तों 7 को, और उसके बाद एक माइनर करेक्शन हमने देखा। तो दोस्तों ये एक लॉन्ग ट्रेड के लिए रेडी नजर आता है। और इसमें अगर हम देखें तो दोस्तों ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये एक बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो हम क्या ट्रेड सेटअप ले सकते हैं दोस्तों? हम यहां पर एक बाय ऑर्डर डाल सकते हैं, कहां अबव हाई ऑफ दिस करंट कैंडल। दोस्तों आज की कैंडल जो है इसका जो हाई है दोस्तों वो है 46,343। तो हम दोस्तों इसमें एक बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं और वो ऑर्डर होगा 46,345 पर। अगर वो बाय स्टॉप ऑर्डर हमारा ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा इस फॉल्स ब्रेकआउट को हम अवॉइड करने में सफल हो पाएंगे दोस्तों। या दोस्तों अगर आप देखें तो अगर हमने इस वन वाइट सोल्जर के बाद में अगर ट्रेड इनिशिएट कर दिया है तो दोस्तों फिलहाल जिन्होंने ट्रेड लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है वो ये करंट कैंडल का जो ओपनिंग है दोस्तों वो ओपनिंग है 46,050। तो 46,055 पर हम एक बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं और वो ऑर्डर ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? प्रीवियस स्विंग लो होगा दोस्तों, और प्रीवियस स्विंग लो है दोस्तों इसका 45,330। तो हम 45,320 पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये एक फेयरली ठीक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये ईएमए 21 के भी नीचे आ रहा है। अब पॉसिबल हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो चलिए दोस्तों हम टारगेट को निकालने की कोशिश करते हैं
और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों फिबोनाची टूल का। और ये देखिए इम्पल्सिव वेव है, अगर हम इस इम्पल्सिव वेव को अगर हम बेस मानते हैं दोस्तों तो हम यहाँ पर पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 47,340 का, और अगला टारगेट जो होगा दोस्तों वो होगा 48,555 का। तो दोस्तों गोल्ड के 48,550 तक जाने की संभावना इमीडिएट नजर आती है, तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है गोल्ड के प्राइस चार्ट पर। चलिए दोस्तों अब हम एनालिसिस करते हैं सिल्वर मिनी के प्राइस चार्ट पर MCX इंडिया पर। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट अवे हम प्राइस चार्ट पर संभावनाओं को तलाशते हैं और क्या पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये सिल्वर मिनी फ्यूचर्स का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है दोस्तों MCX इंडिया पर। हम यहां पर देख सकते हैं कि एक मासिव गिरावट के बाद इसमें रिकवरी आती हुई नजर आई। आपको याद होगा दोस्तों हमने ओवरऑल बुलिश व्यू डिस्कस किया था लास्ट वीक के एनालिसिस में, और दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि इस मासिव ये डाउन ट्रेंडिंग जो मूव था इसके बाद में इसमें एक प्राइस पैटर्न बनता हुआ नजर आता है जिसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। प्राइस ने यहां करेक्शन लिया, लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ने फिर पुल बैक लिया, हेड का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, इसके बाद प्राइस ने फिर से दोस्तों अपसाइड मूव किया, राइट शोल्डर का फॉर्मेशन, और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, और यहाँ पर सर्ज इन वॉल्यूम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड सेटअप बनता है प्राइस पैटर्न के अनुसार दोस्तों, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस EMA 21 के और EMA 55 के ऊपर ट्रेड हो रही है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारा सिंपल है दोस्तों, हमें जो प्राइस मार्केट में एंटर करने के लिए यहाँ पर आप देखिए जो करंट कैंडल है इसके हाई के ऊपर में हम एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हाई जो है इसका 44,131 है, तो एक हम बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं 44,135 पर, अगर वो ऑर्डर ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम ट्रेड को अवॉइड कर पाएंगे। और दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो होना चाहिए दोस्तों, जो ये आता है दोस्तों 41,330 के नीचे होना चाहिए दोस्तों। तो हम इतना रिस्क ले रहे हैं दोस्तों, संभावित टारगेट क्या होगा चलिए उसे निकालते हैं, और उसे निकालते हैं इस प्राइस पैटर्न के हिसाब से। मैं यहां से एक वर्टिकल मेजर कर रहा हूं दोस्तों, ये आप देखिए मैंने हेड से नेकलाइन की दूरी नापी और इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से, तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट आता है दोस्तों। ये टारगेट जो है इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं री मेजर करता हूं क्योंकि ये जो लाइन थी थोड़ी सी टिल्ट हो गई थी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने ये वर्टिकल मेजर किया और यहां से हम इसे प्रोजेक्ट कर देंगे। वैसे भी दोस्तों जो टारगेट्स होते हैं किसी भी प्राइस पैटर्न के वो मिनिमम ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो दोस्तों इसका टारगेट जो आ रहा है वो काफ़ी अच्छा टारगेट आ रहा है, 54,400 पर इसके टारगेट की संभावना है। ऑफ कोर्स दोस्तों अगर प्राइस एक्शन के अनुसार देखें तो इस जगह पे एक उसे रेजिस्टेंस मिलेगा जो 47,800 से लेकर एक बैंड है दोस्तों, और वो बैंड है 49,400 का, जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि हम ट्रेंड को राइड करें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करें ताकि हम इस ट्रेंड का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ट्रेंड को राइड करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम एक ये ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, और ये ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन हमें एक, ये मैं ऑब्जर्वेशनल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टच पॉइंट्स नहीं है 1 और 2। तो दोस्तों ये ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन हमें एक रेफरेंस लाइन होगी जो हेल्प करेगी ट्रेंड को राइड करने में एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में।
चलिए दोस्तों, अब हम कदम बढ़ाते हैं बेस मेटल की तरफ और एनालिसिस करेंगे कॉपर के प्राइस चार्ट पर एमसीएक्स इंडिया के, और संभावनाओं को तलाशेंगे और अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो संभावित अपॉर्चुनिटी क्या होगी, किस तरह से हम ट्रेड को सेटअप कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और कॉपर की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कॉपर फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में एमसीएक्स इंडिया पर। हम विजुअली देख सकते हैं कि मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद इसमें रिकवरी आती हुई नजर आई और यहां पर हम देख सकते हैं कि प्राइस में जब ये रिट्रेसमेंट हुआ तो एक नया लो इसने नहीं बनाया, जो बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, वंस अगेन यहां पे सपोर्ट लेके एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन किया। अगर ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को देखें तो ये एक एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस लाइन है। प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन यहां देख सकते हैं, रिजेक्शन, वंस अगेन रिजेक्शन। तो दोस्तों, प्राइस फिलहाल एक रेजिस्टेंस एरिया में, सप्लाई बैंड में नजर आती है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी अपसाइड में ब्रेक होने की, ब्रेकआउट देने की नजर आती है। अगर ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो मल्टीपल रिजेक्शन है दोस्तों। प्राइस ने यहां रिजेक्शन दिखाया, यहां रिजेक्शन दिखाया, एंड वंस अगेन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? दोस्तों, पॉसिबिलिटी, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक पॉसिबिलिटी का एक गेम है, जहां पर हम एक बुलिश बायस अगर रखते हैं तो उस दिशा में ही हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट या डिसाइसिव होता है तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, और हम सभी जानते हैं ये एक बायलैटरल पैटर्न है, और ये वर्टिकल आप फॉल देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन बेस बनना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, जो एक सिग्निफिकेंट ऊंचाइयों पे इसको, प्राइस को ले जा सकता है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये रेजिस्टेंस लाइन जो है दोस्तों, इसके ऊपर में एक बार प्राइस चली जाए, प्राइस दोस्तों जब 411 के ऊपर में ट्रेड होने लगे तो हम ये मान सकते हैं कि ये बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं और उन्होंने सप्लाई को टेकआउट कर लिया है, तो हम यहां पर एक अपना बाय स्टॉप ऑर्डर 411.5 पर डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, 411.5 पर हम बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं ताकि इसको टेक्स्ट में बाय स्टॉप ऑर्डर एट 411, ये अगर ऑर्डर ट्रिगर हुआ दोस्तों तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम ट्रेड में नहीं होंगे, हम इस फॉल्स सिचुएशन को अवॉइड कर पाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों? हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन संभावित टारगेट भी अधिक है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, ये पोजिशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये पोजिशनल ट्रेड की संभावनाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा दोस्तों 394 पे दोस्तों, तो ये हम स्टॉप लॉस यहाँ पर 394 पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि हम इस पोजिशनल ट्रेड में, हमारा मार्केट नॉइजेस में स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। ये हमारा स्टॉप हो गया, और इसमें दोस्तों अब हमारा पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है? तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, अगर ये सिचुएशन इमर्ज होती है तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से हम टारगेट निकालते हैं। ये देखिए, एक ब्यूटीफुल वर्टिकल बेस है, तो हम सिर्फ बेस को मेजर कर रहे हैं दोस्तों, और बेस को मेजर करके हम सीधा इसे पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ तभी हम ट्रेड में होंगे दोस्तों, तो ये इसके टारगेट को ले जाने की संभावना रखता है 480 पे दोस्तों, जो बहुत बड़ा टारगेट है। हाउएवर, इसको एक जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा, और वो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 434 पे, अगला रेजिस्टेंस समवेयर यहाँ आएगा दोस्तों 455 पर। तो दोस्तों, फिर भी अगर हम देखें तो अपसाइड की संभावना अच्छी नजर आती है। बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये हमें रेफरेंस की तरह हेल्प करेगी स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में और ट्रेंड को राइड करने में, ताकि हम ट्रेंड का मैक्सिमम एडवांटेज उठाने की सिचुएशन में रह सके दोस्तों।
तो दोस्तों आज के इस कमोडिटी टॉक के तहत हम एनालिसिस करेंगे अगली कमोडिटी जिसकी होगी दोस्तों निकल के प्राइस चार्ट पर। स्ट्रेट वे हम चलते हैं एमसीएस के प्राइस चार्ट पर और इसकी एनालिसिस की शुरुआत करके पॉसिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करते हैं। ये निकल फ्यूचर्स का एमसीएक्स इंडिया पर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हम देख सकते हैं कि मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों यहां पर देखिए इसने लो बनाया और उसके बाद में जब ये करेक्शन हुआ दोस्तों तो यहां पर नया लो बनाने में प्राइस सफल नहीं हो पाई और ये प्राइस में एक पुल बैक हुआ अपसाइड में। ऑल्दो दोस्तों अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्राइस में रिवर्सल पैटर्न्स का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों प्राइस फिलहाल एसएमए 233 के नीचे है, सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इंक्लाइन डाउन है। लेकिन दोस्तों एसएमए 233 में हम एक देख सकते हैं कि फ्लैट होने के बाद हल्का सा इंक्लिनेशन अपसाइड में हुआ है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पर एक प्राइस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो मैंने ये ट्रेंड लाइन खींचा है, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेके एक बुलिश पिन बार बना, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ जो बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। तो क्या ये तैयारी कर रहा है रिवर्सल की? तो चलिए हम एक चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अगर रिवर्सल है तो हमें कोई ना कोई एक डेफिनेट सिग्नल मिलना चाहिए इन शेप ऑफ प्राइस पैटर्न। तो दोस्तों ये प्राइस ने यहाँ करेक्शन किया, इसके बाद अपसाइड मूव किया, लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन, प्राइस फिर नीचे आई, हेड का फॉर्मेशन और इसके बाद प्राइस ने अपसाइड मूव किया, फिर यहाँ पर देखिए ये राइट शोल्डर शायद बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट जिसे हम बोलते हैं वो नहीं हुआ है। तो हम चार्ट में क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जर्वेशनल इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ड्रॉ करके रख सकते हैं और इस नेक लाइन पर एक अलर्ट सेट कर सकते हैं कि ताकि जब भी ब्रेकआउट हो तो हम एक सिंपल उस ट्रेड में लॉन्ग यात्रा पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस के काफी ऊपर जाने की संभावना नजर आ रही है, जो अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट करके भी देखते हैं। ये देखिए नेकलाइन से दूरी नापी और इसे हम प्राइस को सिंपल प्रोजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट अगर होगा तो ये दोस्तों प्राइस को ले जाने की क्षमता रखता है 1100 के ऊपर और फिलहाल दोस्तों प्राइस ट्रेड हो रही है 937.6 पर। तो ये निकल के ऊपर में दोस्तों एक ऑब्जर्वेशनल लाइन हम खींच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और हम यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए ये एक लाइन हो सकती है ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट होने के बाद एक ट्रेड को इनिशिएट करने की संभावना बनती है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल देखिए प्राइस का रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो बेहतर ये होगा कि नेक लाइन को ब्रेकआउट जब हो जाए उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट करें, तब दोस्तों ज़्यादा सेफर ट्रेड रहने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों इस वीक के कमोडिटी टॉक की लास्ट कमोडिटी जिसकी हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अगर है दोस्तों तो हमें किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्लान फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो वो कमोडिटी है दोस्तों जिंक। स्ट्रेट वे हम प्राइस चार्ट पर चलते हैं और जिंक की एमसीएक्स पर एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जिंक का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स इंडिया पर। आपको याद होगा दोस्तों लास्ट वीक की कमोडिटी टॉक के दौरान हमने ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ड्रॉ किया था और ये चर्चा की गई थी कि ये एक बायलैटरल पैटर्न है और जिस साइड में भी ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा वो आगे के कोर्स को तय करेगा। अब दोस्तों ये हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं जो पिछले बीच में हमने खींचा था और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस का रिजेक्शन था और यहाँ पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि ये कैंडल जो है दोस्तों ये किस तारीख की कैंडल है,
इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 7 मई 2020 की जो कैंडल है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है दोस्तों, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। तो दोस्तों ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है और यहाँ एक वर्टिकल फॉल देखें तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक बहुत अच्छा बेस बना है जो संभावना रखता है कि प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। अब लास्ट वीक की चर्चा के अनुसार हमने जब ये बेस नापा था तो दोस्तों ये वर्टिकल लाइन देखिए, पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से अगर हम इसे अपसाइड में देखते हैं तो इसके ऊपर जाने की संभावना दोस्तों 164-165 तक नजर आती है। और इस जगह पे देखिए ये गैप है जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, तो ये एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड हो सकता है दोस्तों। और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स दोस्तों स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है क्योंकि ये पिछला स्विंग लो जो है वो है दोस्तों 148 पर, तो 148 के नीचे रखना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम टारगेट भी काफ़ी फेवरेबल आ रहा है तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो बनेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों ये हमें हेल्प करेगी, जैसे जैसे प्राइस हमारी दिशा में ऊपर बढ़ती है हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राइजिंग ट्रेंड लाइन विच। तो दोस्तों अगर आपको कम्युनिटी टॉक का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपकी तरफ से, और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। और इस वीडियो को फ्रेंड सर्कल में, ट्रेडर कम्युनिटी के बीच में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोगों को भी इन वीकली एनालिसिस का लाभ पहुंच सके, और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। एंड दोस्तों अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों।